Infinix GT20 Pro 5G स्मार्टफोन के हम काफी सारे स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और वहां पर मैं कमेंट बॉक्स में पूछता हूं कि आप बता देना आपको किसी और दूसरे स्मार्टफोन के साथ स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए तो काफी सारे दोस्तों ने Infinix GT10 Pro से कंपैरिजन करने के कहा। उसमें काफी सारे दोस्तों के ये भी रीजन थे कि हमें ये देखना है कि GT10 Pro से GT20 Pro में क्या कुछ अपग्रेड किए गए हैं, क्या थोड़े स्पेक्स चेंज किए गए हैं, क्या थोड़ा प्राइस ही अपग्रेड किया गया या कुछ और भी हमें देख मिलता है। और कुछ दोस्तों ने पोको X6 Pro के साथ भी कंपैरिजन करने को कहा था और आई थिंक वो बनता भी है, क्योंकि अभी तक अगर मैं अंडर 25,000 की बात करूँ तो पोको X6 Pro ही इकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जो कि हमें बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको GT10 Pro के साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा एंड नेक्स्ट जो भी वीडियो होने वाली है उसमें आपको पोको X6 Pro के साथ स्मार्टफोन का कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो अगर आप वो कंपैरिजन भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, Infinix GT10 Pro 5G स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो वो भी अप्रोक्स 20,000 के अराउंड ही स्मार्टफोन देखने मिलता था और GT20 Pro 5G स्मार्टफोन है ये भी अप्रोक्स उसी प्राइसिंग के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो प्राइसिंग में तो नो डाउट कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, मैक्स से मैक्स दोस्तों 1,000 या 2,000 का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं स्पेक्स की और जानते हैं कि क्या स्पेक्स में भी हमें कोई डिफरेंस देखने मिलता है। और सबसे पहले अगर मैं लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो लुक एंड डिजाइन डिट्टो आपको लगभग सेम ही देखने मिलने वाला है, स्पेशली अगर मैं रियर साइड की बात करूं, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा के साथ मिलते हैं। जहां पर GT10 Pro की बात करूं तो ये भी हमें ट्रिपल रियर कैमरा के साथ देखने को मिल जाता है और यहां पर भी जो डिजाइन है भाई वो काफी कमाल का देखने को मिल जाता है बैक साइड में। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बैक साइड में भाई काफी कमाल का डिजाइन है, कुछ लाइट वगैरह इतनी नहीं है जितनी GT20 Pro में, लेकिन अच्छा है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड में आते हैं तो मिड कंसोल डिस्प्ले देखने जाती है जो कि एमोलेड पैनल के साथ आती है, 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर बेजल्स हैं वो हमें काफी हद तक कम देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं स्मार्टफोन की बात करता हूँ भाई, डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, 900 निट्स की ब्राइटनेस जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी देखने जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथनेस भी हमें अच्छी यहाँ पर देखने मिल जाती है। जबकि बात करता हूँ GT20 Pro 5G स्मार्टफोन की तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन दो स्टेप आगे निकल जाता है GT10 Pro से, क्योंकि बैक में डिजाइन लगभग आपको सेम देखने मिलेगा, कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं देख मिलेंगे, बस यहाँ पर थोड़ी कुछ लाइट्स ऐड कर दी गई है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन है, लेकिन फ्रंट साइड में आते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, बेजल्स हैं वो थोड़े यहाँ पर कम कर दिए गए हैं, एमोलेड डिस्प्ले देखने जाती है, रिफ्रेश रेट को उसको बढ़ा दिया गया, 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने जाता है, ब्राइटनेस है उसको भी इंप्रूव कर दिया गया, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने जाती है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी आपको देखने मिलेगी काफी अच्छी देखने मिलेगी। तो नो डाउट यार यहाँ पर जो व्यूज एंगल आपको देखने मिलते हैं काफी कमाल के देखने जाते हैं, कलर्स मिलते हैं वो भी काफी कमाल के देखने जाते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर जो बैक का डिजाइन है ना वो आपको एक जैसा मिल सकता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की कि भाई कौन से स्मार्टफोन की डिस्प्ले अच्छी देखने मिलती है, कौन से स्मार्टफोन में ब्राइटनेस हमें अच्छी देख मिलती है, तो नो डाउट जो Infinix GT20 Pro 5G स्मार्टफोन है वो हमें थोड़ा यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की, और कैमरा की बात करूं तो Infinix GT10 Pro 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा के साथ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की प्राइमरी कैमरा की तो ये स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ मेन कैमरा की तो वो 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल, थर्ड है 2 मेगापिक्सल का हमें देखने जाता है। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑप्शन देखने जाता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है एंड सेल्फी में भी आप 1440p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर GT20 Pro 5G स्मार्टफोन की तो ये भी एज इट इज कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने में जाता है, और यहाँ पर भी 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, जहाँ पर प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी है 2 मेगापिक्सल, थर्ड है वो भी हमें 2 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की सेल्फी की तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है, यहाँ पर भी रियर कैमरा में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिलता है एंड सेल्फी कैमरा में आपको 440 में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। तो भाई लगभग कैमरा वाइज बात को तो हर एक चीज आपको एज इट इज देखने को मिल जाती है, बस यहाँ पर अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी दिखाऊं तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी देखोगे तो माइनर से चेंजेस आपको देखने मिलते हैं, चाहे मैं बात करता हूँ सेल्फी कैमरा की या रियर कैमरा की, यहाँ पर आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि भाई एज इट इज उठाकर जो Infinix ने सेम सेंसर सेम जो है
GT20 Pro में यहाँ पर यूज कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़े बहुत डिफरेंस है, जिसमें GT20 Pro में थोड़े है माइनर इंप्रूवमेंट के साथ हमें थोड़ी ज्यादा इनहांस हुई इमेजेस देखने मिलती है, जबकि GT20 Pro में थोड़ी भाई यहाँ पर फीकी इमेजेस हमें देखने मिलती है। तो भाई ज्यादा फर्क नहीं कहूंगा कैमरा के मामले में, लेकिन फिर भी भाई GT20 Pro थोड़ा बेहतर निकल कर आता है। फाइनली अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस की बात को GT10 Pro हमें देखने को मिल जाता है MediaTek Dimensity 8050 चिपसेट के साथ, जहां पर अगर मैं इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात करूं 7 लाख प्लस का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने को जाता है। स्टोरेज टाइप की बात करूं UFS 3.1 हमें देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं GT20 Pro की, तो ये स्मार्टफोन में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8300 अल्टीमेट चिपसेट के साथ, और यहां पर अगर मैं इसकी स्टोरेज टाइप की बात करूं तो सेम एज इट इज स्टोरेज टाइप यहां पर देखने मिलती है 3.1 की, UFS 3.1 की, एंड एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो वो भी सेम ही देखने मिलता है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं ना इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की, तो वो हमें अप्रोक्स 9 लाख के अराउंड देखने मिलते हैं, यानी भाई बेसिक स्टोरेज टाइप हमें सेम देखने मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो हाँ हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ मेजर इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इनहांस कर देते हैं। और यहाँ पर सिर्फ नंबर वाइज ही नहीं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिक्स वाइज भी, वहां पर भी हमें GT20 Pro थोड़ा बेटर नजर आ जाता है। फाइनली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप भी दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने जाता है, 5000mAh की बैटरी है दोनों स्मार्टफोन में, एंड 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने मिल जाता है। तो नो डाउट जो बैटरी बैकअप होगा, जो चार्जिंग स्पीड होगी, वो भी लगभग हमें एज इट इज ही देखने को मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बात करते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में चेंजेस क्या मिलते हैं। देखो यार, जो मेनली चेंजेस हुआ ना इन स्मार्टफोन में, वो इन स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस में हुआ है। अदरवाइज मैं बात करता हूँ कैमरा की, अदरवाइज मैं बात करता हूँ बैटरी बैकअप की, तो वो चीजें आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाएंगी। तो अभी बात करते हो क्या GT10 Pro से आपको इस पे इंप्रूवमेंट अपग्रेड करना चाहिए। देखो यार, अगर आपको स्पेशली गेमिंग ही करनी थी, गेमिंग में ही अगर आपको कैमरा वगैरह नहीं यूज करना, तो आप बेसक यहां पर अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई यहां पर कैमरा में इंप्रूवमेंट किए गए हैं, वो किए गए हैं, तो मैं अपग्रेड कर लेता हूं, तो ऐसी कोई भी नीड नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर आप चाहते थे कि भाई क्या मुझे 20,000-25,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग प्रोवाइड करवा पाएगा, तो हाँ बेस्ट गेमिंग में से एक स्मार्टफोन है, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन में से, तो आपको बेसक ये स्मार्टफोन अच्छी गेमिंग करवा देगा। तो ये था दोस्तों आज का छोटा कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन का, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।